हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल एकेडमी, अ हेल्पिंग हैंड इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, इससे पहले अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो रहे थे, लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। एक पोयम रह गया है ट्री, उसको डिस्कस करना बाकी है। तो लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि मैं पोएटिक डिवाइस और राइम स्कीम आपको बताऊंगा। पोएटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, क्योंकि पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच हमारे पोयम में होता है और वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये एक नंबर आपको जरूर देकर जाएगा अगर वो क्वेश्चन आ गया तो। तो चलिए बहुत ज्यादा नहीं, उसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो रिक्वेस्ट मेरी आपसे होती है, वो रिक्वेस्ट मेरी आज भी है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कई बार देख रखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब तो यार हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन नहीं दबाएंगे मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको पता नहीं चलेगा, तो बेल आइकन दबा दीजिए और ताकि मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एलिटरेशन, चलिए देखिए। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं कि एलिटरेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियल साउंड्स, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि इस हम लोग डेफिनेशन याद करने नहीं बैठे हैं, डेफिनेशन हम लोग यहां याद करने नहीं बैठे हैं, हम लोग सिंपल एग्जांपल डालेंगे, ट्रिक बताऊंगा और आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, डेफिनेशन रहेगा तो डेफिनेशन तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी भी बुक से निकाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा अगर टाइम रहेगा तो, ठीक। लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझिए कि एलिटरेशन एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जहां पर डेफिनेशन इसका कहता है कि एलिटरेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियल साउंड मतलब स्टार्टिंग के साउंड्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। एग्जांपल देखिए, फुल फैथम फाइव डाई फादर लाइज, समझने की कोशिश करिए। यहां पे एफ है, यहां पे एफ है, यहां पे एफ है, रिपीट हुआ स्टार्टिंग का साउंड। एक सीक्वेंस में स्टार्टिंग के साउंड रिपीट हो रहे हैं, फ फ फ, तो यहां तक तुरंत समझ जाएगा ये एलिटरेशन है, तुरंत समझ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं, मैं नहीं वेस्ट करना चाहूंगा। अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं फिर और एग्जांपल देके समझा दूंगा। बहुत कम टाइम में अच्छा कंटेंट देना चाहता हूं। एलिटरेशन फुल फैथम फाइव, तो ये आपका फ जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। दूसरा देखिए, क्या, चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। चलिए देखिए, सैली सेल सी शेल्स बाय द सी शोर, सैली सेल सी शेल्स बाय द सी शोर। ठीक है, अब यहां पे देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करिए, फिर से स्टार्टिंग का ही साउंड जो है इनिशियल साउंड रिपीट हो रहा है, स स स स, तो यहां पे बताने की जरूरत नहीं है डियर, यहां पर आराम से समझ में आ गया कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एलिटरेशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की कोई भी लाइन अगर आपके पोयम में दिखाई देती है, पहला साउंड अगर रिपीट हो रहा है अगले दो तीन मतलब कंसेक्यूटिव वर्ड्स में, मतलब लगातार अगर वो दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आंख बंद करिए और सीधा दिमाग पे क्लिक करिए कि ये एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यहां पर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्ट
एक्चुअली आपको वो बताना है जो आपके एग्जाम में या आपके पोएम में यूज किया गया है। चलिए चलिए ऐसे समझिए, सिमिली, सिमिली को समझिए। सिमिली में क्या होता है, दो एक चीज का कंपैरिजन, मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसे समझिए, दो चीजों का कंपैरिजन होता है, ठीक है, और उसमें कंपैरिजन वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। और कंपैरिजन वर्ड क्या होते हैं, एज हो गया, लाइक हो गया, सो हो गया, ये सब वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है, सिमिली। देखिए एग्जांपल देखिए, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कंपैरिजन तो हुआ है, किसका किसका, लाइफ का और ड्रीम का, और इसमें कंपैरिजन वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ है, डियर, और कंपैरिजन वर्ड क्या है, लाइक। आप समझिए, लाइक ये कंपैरिजन वर्ड है और लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ और ड्रीम का कंपैरिजन हुआ है और वर्ड कौन सा यूज किया गया है, लाइक। दूसरा देखिए, आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज यू। देखिए मेरा कंपैरिजन आपके साथ हुआ है, ठीक है, और यहां पर सो और एज लगा हुआ है। दूसरा देखिए, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। देख सकते हैं, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है वो मरुस्थल के जहाज के जैसा है, मरुस्थल डेजर्ट, आप समझ सकते हैं कि वो मतलब जैसे पानी में जहाज चलती है ना, मरुस्थल में वो चलता है, क्या बोलते हैं उसे, कैमल चलता है, उसको जहाज मान लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि कैमल की तुलना किससे की गई है, ऊंट की तुलना किससे की गई है, डेजर्ट से, ठीक है। उसको क्या बना, मतलब कि डेजर्ट के जहाज से की गई है, ठीक है, उसको जहाज से, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो सॉरी डेजर्ट से तो नहीं लेकिन शिप से किया गया है, डेजर्ट के शिप से, ठीक है। तो अब ये जो है यहां पर इसकी तुलना इससे की गई है और इसमें कंपैरिजन वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है, लाइक। तो यहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। जब भी इस तरह के सेंटेंस या पोएम में इस तरह की लाइन आ जाए तो आप समझिए कि ये क्या है, यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिस्कस करते हैं। मिस्टर की बुक कहाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डियर मेटाफर, मेटाफर में देखिए, जैसे सिमिली और मेटाफर में बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन, मतलब कि बहुत ही
हल्का सा फर्क है, आप समझ सकते हैं। मेटाफर में क्या, सिमिली में क्या होता है कि दोनों में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल होता है। मेटाफर में ऐसा नहीं होता, मेटाफर में दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है बिना कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल किए हुए। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम था, यहां पर आप समझिए लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है, एक ख्वाब है, जीवन एक ख्वाब है। और उसमें क्या था, जीवन एक ख्वाब की तरह है, तो लाइफ इज अ ड्रीम। दूसरा सेंटेंस देखिए मेटाफर के लिए, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, इज द स्टार ऑफ द फैमिली, समझिए। तो इसको किससे तुलना की कर दी गई, स्टार से, बिना किसी कंपैरिजन वर्ड के, ठीक है। तो यहां पे आपका इस्तेमाल हुआ है मेटाफर। नेक्स्ट आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। बहुत ही बढ़िया, देखिए ये पिछले वीडियो में, कल भी ये बताया था मैंने कि नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो लिविंग बीइंग हो, ठीक है, जैसे कि वो लिविंग बीइंग है। देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा क्या। देखिए बहुत ही सिंपल सा है एग्जांपल, लव इज ब्लाइंड। देखिए लव इज ब्लाइंड, यहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि लव जो है ना वो ब्लाइंड बता दिया गया है, मतलब उसको एक इंसान मान लिया गया है। आप सोच करके देखिए, लव ब्लाइंड कब से हो गया, लव को किसी ने देखा है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक इमेजिनेशन है, एक फीलिंग है, लेकिन उसको ब्लाइंड बना दिया गया, अंधा बना दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा आपको, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉय, यूजफुल टॉय। तो यहां पे बताया गया है एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को, कभी भी गरीब आदमी का मजाक, उनके कठिन परिश्रम का, गरीब आदमी के कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। ये मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, महत्वाकांक्षी मतलब जो अमीर लोग होते हैं उनको, मतलब यहाँ देयर ये गरीबों के लिए इस्तेमाल किया गया। यूजफुल टॉय, टॉय का मतलब होता है हार्डवर्क। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया आप लोगों के लिए। अभी एक आसान सा एक और एग्जाम्पल मैं आपको निकाल करके देता हूं, मतलब यहाँ पर यह है कि लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉय, यहाँ पे एम्बिशन एक, ये फिर से वही बात है कि एक फीलिंग है, ठीक है, लेकिन यहाँ को इसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जैसे वो किसी इंसान की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, कि उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दैट इज, हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये आपको समझ में आएगा। अपॉर्चुनिटी नॉक्स Once at the door, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। Opportunity knocks once at the door, अवसर, opportunity, आप सोचिए एक चांस, इसको इंसान कैसे बना सकते हैं, वो नॉक कैसे कर सकता है, वो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहां पर दिखाया जा रहा है कि opportunity जो है वो आता है, नॉक करता है दरवाजे पर, कब, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं पर्सोनिफिकेशन के, ये आपके एग्जाम्पल हैं मेटाफर के, और उससे पहले हमने एलिटरेशन और सिमिली को पढ़ लिया है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे और डिस्कस करते हैं।
चलिए देखिए, एपोस्ट्रॉफी आप समझिए कि ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो डायरेक्ट एड्रेस करता है एक मरे हुए इंसान को, एक नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज जो है ही नहीं, उसको पर्सोनिफाइड करके उसको एड्रेस करता है, उसको मतलब दिखाता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई डेड पर्सन या फिर कोई चीज है जिसको पर्सोनिफाइड करके उसको एड्रेस किया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए, कुछ ऐसा जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, हम लोग इसको पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओ जूलियस सीजर, थाउ आर माइटी एट, थाउ आर माइटी एट। देखिए, ये जब इस्तेमाल किया गया है ना बेटे, और एक एपोस्ट्रॉफी का एक सबसे अच्छा ध्यान दीजिएगा, वहां एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो इस्तेमाल किया गया है, ये लाइन, ये इस लाइन को ब्रूटस ने बोला हुआ है जूलियस सीजर प्ले में जो शेक्सपियर ने लिखा है। और ये ऐसा नहीं है कि जूलियस सीजर जब सामने थे तब बोला था, जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई थी, वो मार दिए गए थे, और जब ब्रूट और उसमें जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें ब्रूटस भी शामिल थे। मेरी बात समझिए, रेफरेंस में क्यों दे रहा हूं। लेकिन जब ब्रूटस को दिखा कि उनका हाल खुद खराब हो रहा है और उनको ऐसे ऐसे चीजें दिखने लगी कि उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये जूलियस सीजर की वजह से हो रहा है, तो उन्हें यह समझ में आया कि जूलियस सीजर तो अब जब थे तब तो वो शक्तिशाली थे ही, वो अब भी शक्तिशाली हैं। तभी उन्होंने मतलब उनको याद किया और कहा कि हो जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट, आप अब भी शक्तिशाली हो। आप कहने का मतलब यह है कि आप नहीं हो, आप मर चुके हो, लेकिन आपकी प्रेजेंस अभी भी दिखती है और ये लगता है कि आप अभी भी शक्तिशाली हो। तो ये एक डेड पर्सन को सीधा एड्रेस किया गया, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ठीक है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। अब यहां पे डेथ को सीधा कोई बुला रहा है और कह रहा है कि कहां यार, आपकी स्टिंग कहां है, आपका असर कहां है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एपोस्ट्रॉफी है। तो जहां पर, पहली बात मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि एपोस्ट्रॉफी और एक्सक्लेमेशन, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेशन हालांकि आप 10th में हैं तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जाते हैं, जब आप 12th या ग्रेजुएशन के लेवल पे जाते हैं, 12th में भी नहीं, ग्रेजुएशन के लेवल पे जाते हैं, तब आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको तो लगता है कि सर ने तो ये बताया था यार, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे तो एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था, मैं इसलिए कह रहा हूं। लेकिन मैं आज हल्का सा इशारा आपको दे रहा हूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एपोस्ट्रॉफी एक्सक्लेमेशन में आप फंस जाते हैं, ठीक है, और यह सीधा डेड पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हैमलेट में ही, मैं आपको बता दूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएगा आपको, हैमलेट विलियम शेक्सपियर की ही लिखी हुई ट्रेजेडी है, ठीक। लेकिन जब उसमें जाएंगे तो उसमें एक लाइन दिया हुआ है और वो पोएटिक डिवाइस बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को डिस्टर्ब करता है। लोग समझते हैं कि यहां पर तो एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए, लेकिन हैमलेट जिंदा था, मेरी बात समझिए, ठीक है। तो वहां पर ये फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं हो सकता। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे, एपोस्ट्रॉफी खत्म हो गया, नेक्स्ट आइए हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या होता है, हाइपरबोल बेटा, ओके फाइन, कल का एग्जाम अब आप समझिएगा। हाइपरबोल क्या होता है, हाइपरबोल एक
ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है डियर जो किसी भी चीज को एक्सजरेट करके बताया जाता है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, या फिर किसी भी चीज को इतना मतलब या तो उसकी वैल्यू खूब बढ़ा दी या तो उसकी वैल्यू एकदम खत्म कर दी, या तो किसी का मान सम्मान या उसके कंपैरिजन इतना जबरदस्त तरीके से करिए कि लोग कहें यार वाकई में क्या बात है, और या तो फिर एकदम नीचे वाले लेवल पे ले जाइए। जैसे एग्जांपल देखिए यहां, हाँ यस, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। ठीक है, बेलिंडा स्माइल, बेलिंडा मुस्कुराई। देखिए अगर मैं ठीक से याद करूं तो ये अलेक्जेंडर पोप की ही लाइक एपिक है। ठीक है, मोक एपिक है, मोक एपिक, मोक मैंने मतलब, अच्छा अभी एग्जांपल तो मिट गया, मोक मतलब मैंने बताया था कि हास्यप्रद, मजा किया। ठीक है, तो ये मोक एपिक है डियर। तो मोक एपिक में क्या था, उसका नाम जो था वो द रेप ऑफ द लॉक था। ठीक, और उसमें बेलिंडा की जो लॉक होता है ना, जो जूड़ा होता है, उसको काट दिया गया था, और बालों से वो, बालों की वजह से वो इतनी खूबसूरत दिखती थी, इतनी अच्छी लगती थी कि उसका जब बाल काट दिया गया तो जाहिर सी बात है उसकी खूबसूरती तो कम तो हो ही, कम क्या समझ लीजिए, खत्म ही हो गई। तो बेलिंडा हमेशा परेशान रहती थी, हमेशा प्रॉब्लम में रहती थी, लेकिन लास्ट में आते आते कुछ ऐसा हुआ कि वो मुस्कुरा दी, और जब वो मुस्कुराई, बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, और पूरी दुनिया क्या हो गई, गे मतलब होता है खुश होना, तो सारी दुनिया क्या हो गई, खुश हो गई। मतलब जब तक बेलिंडा यू नो खुश नहीं थी, जब तक बेलिंडा परेशान थी, क्योंकि उसके साथ हुआ ही ऐसा था। अब जाहिर सी बात है, जैसे अब हम लड़के हैं या मेल्स जो भी हैं, उनके पास क्या है, ये बाल ही है। अब अगर ये बाल ही कोई पता चले कि इसको एकदम हम लोग को बाल्ड बना दे, एकदम टकला बना दे, तो कितने खूबसूरत दिखेंगे हम लोग, सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि खूबसूरती तो उस लेडी की उसी से थी, उसके बाल काट दिए तो परेशान तो थी, डिस्टर्ब थी, लेकिन जब कि लास्ट में जाके वो किसी तरीके से मुस्कुरा दी, तो उसकी मुस्कुराहट, भाई दुखी थी, सारी दुनिया दुखी थी, लेकिन जैसे ही वो खुश हुई, सारी दुनिया खुश हो गई। तो एक बात समझने की कोशिश करिए, किसी एक इंसान के खुश होने से क्या सारी दुनिया खुश हो जाएगी? इज इट रियली पॉसिबल? Not at all. लेकिन वहां का माहौल ऐसा बन गया था, जितने लोग वहां पर थे, या जो हम लोग भी अगर जब उसको पढ़ते हैं उस मॉक एपिक को, बहुत ही सीरियस हो गए थे कि यार क्या हो गया बिचारी के साथ, इतना उसको रोकने वाले थे, इतने सारे मतलब फेरीज थी, इतने सारे, इतनी पावर थी, लेकिन फिर भी गलत करने वाले ने उसके साथ गलत कर दिया, उसके बाल को काट दिया, और सब लोग डिस्टर्ब हो गए, लेकिन लास्ट में मुस्कुराई और सारी दुनिया, मतलब उस दुनिया में वहां के लोग जो थे वो सब खुश हो गए। तो बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। आई होप कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा, बढ़ा चढ़ा कर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी शेड ओशियन ऑफ टीयर्स, she shed ocean of tears। देखिए अब यहां पर भी समझिए, एक लड़की है वो रोई भाई, उसके आंसू निकले कितना, समुद्र के जितना, पॉसिबल है? तो वही है डियर, she shed ocean of tears, मतलब वो इतना रोई, मतलब उसकी आंसुओं का समुद्र बन गया यार, बताओ इतना रोई, इतने आंसू निकल गए उसके, इतना नहीं होता, मतलब कहने का मतलब ये कि वो बिचारी इतनी बुरी तरीके से रोई, इतनी बुरी तरीके से दुखी थी, इतना रोई कि समझ मानो कि यार बाढ़ आ गया, पूरा समुद्र मतलब हो गया, उसके आंसुओं का समुद्र बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल देना चाहूंगा अगर मुझे मिल जाए तो, देखिए चलिए जो मैं चाह रहा हूं वो तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहां पर मैं यस ये बताना चाहूंगा, आई लव्ड ओफेलिया, हेमलेट का ही एक एग्जाम्पल है,
I loved Ophelia. ये नाम है I loved Ophelia 40,000 brothers. ठीक है, कंपैरिजन देखिए, मतलब उस बंदे ने क्या कहा कि मैं ओफेलिया से, ओफेलिया इस ट्रेजेडी की हीरोइन थी और हेमलेट इस ट्रेजेडी का हीरो था, ठीक है, और शेक्सपियर की लिखी हुई ये जाहिर सी बात है ट्रेजेडी थी, हेमलेट तो आप समझ सकते हैं उसी के नाम पे ये ट्रेजेडी थी। तो जब बात आई कि हेमलेट ने ओफेलिया को मार डाला ये बताया गया, ठीक है, तो अब ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा हेमलेट में, तो उसने कहा कि मैं ओफेलिया को कैसे मार सकता हूं, मैं तुम एक भाई हो जो मुझसे हिसाब लेने आए हो, लेकिन मैं तो उससे इतना प्यार करता हूं जितना 40,000 भाई उससे प्यार कर सके। मतलब अपने आप को कितना बढ़ा के, अपने प्यार को कितना बढ़ा के दिखाया। तो ये चीज किसमें होती है डियर, ये हाइपरबोल में होती है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे अगर देखता हूं वीडियो अगर काफी है तो यहीं पे रोकता हूं, नहीं तो दो और बचे हुए उसको और डिस्कस कर दूंगा, देख लीजिए। चलिए, ऑलरेडी 26-27 मिनट्स का हो चुका है तो इसके आगे मैं नहीं जाना चाहूंगा। कुछ पोएटिक डिवाइस दो इसमें हैं और भी कुछ पोएटिक डिवाइस जो यूज होते हैं उसको मैं कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सोचा था कि 15 मिनट का होगा लेकिन बातों बातों में इतना चला गया। सो इट इज इनफ फॉर टुडे डियर, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेम टॉपिक टू बी कंटिन्यूड डियर। सेम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, उसके बाद राइम स्कीम और उसके बाद पोएम की एक एक लाइन, एक एक लेयर खोलते जाएंगे और सारे पोएटिक डिवाइस बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद।